Good afternoon, this is Gini Aneja. Welcome back to my channel. For the month of August, let's do some readings. But this reading is meant not for any sun sign or any sign. This reading is meant for all of those born on the 26th of any month. अगर आप किसी भी महीने के 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, और ये रीडिंग आपके लिए टैरो नहीं कर रही हूँ, ओरैकल अलग से नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऑसेट ओरैकल कार्ड जो पिछली बार जब मैंने किए थे आप लोगों को बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि ये काफी डिटेल में होते हैं, तो एक कार्ड मैंने निकाला है आपके लिए और देखते हैं कि वो कार्ड कहता क्या है। ये कार्ड है सेथ का। सेथ जो था वो होरस का बेटा था शायद, एक सेकेंड, ऑसेट और ऑसिरिस का छोटा भाई था, और वो जो है वो रेगिस्तान, और रेगिस्तान का देवता है, भगवान है, मतलब वो उससे लोग काफी डरते थे, तो उसे जो है मुश्किलें बहुत पसंद है, और वो मिला है आप। हाय राम जी। तो ये कहता है कि ये समय जो है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है, इसलिए ये बुरा वक्त जो है वो निकल जाने दो। प्यार में आपके आपका जो पार्टनर है वो गलत रास्ते पर जा रहा है, हो सकता है जुआ खेलना, ड्रग्स लेना या गलत चीजें करना, तो वो जो है वो ऐसा कर रहे हैं, तो आपको उन्हें संभालने की और रोकने की जरूरत है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में थोड़ी सी मुश्किलें आपको महसूस हो सकती। काम के सिलसिले में जो चीज कल होनी चाहिए थी वो शायद 4 दिन बाद होगी, तो थोड़ा सा डिले होगा, जिसकी वजह से आपका मन बेचैन होगा या चिड़चिड़ापन होगा, और जो प्रमोशन आपको मिलनी चाहिए थी आपके बजाय किसी और को दे दी जाती है, और आपका काम सराहा नहीं जाता, तो तकलीफ तो होती है। अब ये सेट आया है, अगर आप कहीं जाने की सोच रहे हो तो आपका वो प्लान डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, आप नहीं जा पाओगे, और इसलिए इस समय पर बिना मतलब के कोई इधर उधर जाने को थोड़ा अवॉइड करो। आपकी हेल्थ जो है वो, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप बहुत जल्दी ठीक नहीं होने वाले। आपको अकेले में समय बिता के, मेडिटेशन करके, अल्टरनेट हीलिंग यूज करके अपनी तबीयत पर ध्यान देने की जरूरत है। आपके परिवार के लोगों में एक इंसान कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो उसे कोई लत लग गई हो, तो आपको इन हालात को संभालने के लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी, मेहनत की और थोड़ा सब्र की जरूरत पड़ेगी, तो आपको बहुत संभल के इस मुद्दे को संभालना है और आप ही को संभालना है। और जब आने वाला समय है, आने वाले समय में आज जो मुश्किलें आप झेल रहे हो, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इन मुश्किलों को और इस मुश्किल समय को आप डेफिनेटली पार कर लोगे। अब तक तो सबके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए, लेकिन ये वाला कार्ड मुझे कुछ जचा नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि गाइडेंस के लिए एक आध कार्ड निकाल के देखती हूँ कि करना क्या चाहिए। ये बाकी सबके तो कार्ड्स बड़े अच्छे आए, यही नंबर ऐसा क्यों आया? लाई तो थी टैरो कार्ड्स, पर एक गाइडेंस का कार्ड निकाल के देखती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। आपको सब्र करना चाहिए,
आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको भगवान पे विश्वास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच टैरो कार्ड। तो अब ये तो मैं क्या करूं, मैंने तो कोशिश की थी अपनी तरफ से। ठीक है, तो करो सब्र शांति, और ये समय भी निकल जाएगा। मतलब अच्छा बुरा कोई भी समय हमेशा नहीं रहता, और ये सिर्फ एक महीने का है। एक महीने का अगर मैं बोल रही हूँ तो समझो ये अगस्त के फर्स्ट वीक के बाद शुरू। हाँ एक चीज और, अगस्त के फर्स्ट वीक के बाद शुरू होता है, तो ये 2-3 हफ्ते की बात है, बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन जो पहले मैं डायरेक्शंस डाला करती थी कि आपको इस महीने में ये डायरेक्शन में आप सोओगे तो आपकी मुश्किलें जो हैं वो कम हो जाएंगी, तो अगर ऐसी कोई बात है आपके साथ कुछ समय मुश्किल आता है तो आप मुझे मैसेज कर लें, और मैं आपको बता दूंगी कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मतलब 26 नहीं फुल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अगर आप फलाने डायरेक्शन में सोते हो तो अपनी मुश्किलों को जिंदगी से हटा तो नहीं सकते लेकिन शायद कुछ कम कर सकते। ओके, दैट्स व्हाट आई कैन डू टू हेल्प यू। मीनवाइल अगर आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है, तो मुझे लगता है आपको लेनी चाहिए और आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप मुझे guineaaneja.com के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं कह भी नहीं सकती, लेकिन अगर आप किसी 26 तारीख वाले को जानते हो तो प्लीज़ उसको ये वीडियो भी भेज, उसको भी भेज देना, ताकि वो भी थोड़ा जाने कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरह की मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ सकता है और उसे कैसे हैंडल करना। नॉट रियली, बट दैट्स एज मच एज आई कैन डू राइट नाउ राइट हियर। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय।